students. We have started online tuition service for students of class 1 to class 2nd year. Interested students can submit thier online admission form through our official website. The link is in the description. Assalamu alaikum students, class 10th ki chemistry unit number 2 acid base and salts. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस किसको कहते हैं. एसिड जो होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अ सब्सटेंस विद पार्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टर्निंग लिटमस रेड, न्यूट्रलाइजिंग अल्कलीज एंड डिजॉल्विंग सब मेटल्स. कि एसिड जो होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसकी ये फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जो अल्कलीज होते हैं मतलब बेस होते हैं उनको न्यूट्रल कर देता है, और मेटल्स को ये डिजॉल्व करता है. टिपिकली अक्रोजिव और सोर टेस्टिंग लिक्विड और खट्टा से इसका टेस्ट होता है. अ मॉलिक्यूल और अदर स्पीशी विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा स्पीशी होता है कि जो डोनेट करता है प्रोटॉन को, मतलब H प्लस को डोनेट करेगा, और एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को. और कंटेनिंग एसिड और हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, या तो ये जिनकी ऐसे सब्सटेंस जिनकी पीएच जो होती है वो 7 से लेस होती है, जैसे 5, 5.5, 5.6, 4.5, 3.4, इस तरह की पीएच जो होती है तो वो जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और उनमें सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एसिड्स की होती हैं. शार्प टेस्टिंग भी होते हैं और सोर भी होते हैं. फिर आ जाते हैं हमारे पास बेस. इन केमिस्ट्री बेस इज अ केमिकल स्पीशी दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. बेस एक ऐसा स्पीशी है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स को, और रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड के आइंस को. कि जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में वो होगा तो वो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड के जो आइंस है उनको रिलीज करेगा. अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन आइंस. के बेस जो होता है ये एसिड को न्यूट्रल कर देता है. मोस्ट बेसिस आर मिनरल्स, ज़्यादातर बेसिस जो होते हैं ये मिनरल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, वाटर और सॉल्ट्स बनाते हैं. बेसिस आर डिफाइंड एज प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेसिस को हम प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं. और जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेसिस की, उसमें हमारे पास आ जाते हैं मेटल के ऑक्साइड्स आ जाते हैं, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल के हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. और अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड और बेस दोनों की. कि टेस्ट जो होता है एसिड का वो सोर होता है, मतलब खट्टा सा टेस्ट होता है, और जो बेस का होता है वो बिटर, कड़वा होता है. इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है आपने उसको एक सोल्यूशन में डिप किया है, तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया तो आप कहेंगे कि ये एसिड है. लेकिन अगर उस ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि ये बेस है. इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, कि अगर रेड लिटमस पेपर है तो अगर एसिड होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा. लेकिन अगर आप उसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वो सॉल्यूशन बेस होगा तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा. करोजिव इफेक्ट होता है इसका स्किन पर, और बेस जो होते हैं वो टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, स्किन के टिश्यूज़ को. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो दोनों की है वो सेम है, कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में होंगे दोनों तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. Thank you.